तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें देख लेते हैं कि हम इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डालते हैं। वैसे तो आप जानते हैं, सबसे पहली चीज़ जो समोसे में यूज़ करते हैं, बॉइल्ड पोटैटो। तो आप कुछ आप पहले देख लीजिए कि आपको समोसे कितने बनाने हैं। अगर आपको 4 से 5 या 8 से 10 समोसे बनाने हैं, तो उसी हिसाब से आप पोटैटो ले सकते हैं। ये बॉइल्ड पोटैटो आपके सामने हैं और इनको आप इस तरीके से रखिए और उसको तो मैश कर लीजिए। और मैश करते वक्त ध्यान रखिए कि पोटैटो पूरी तरीके से ना फूटे, उनमें कुछ बड़े पीसेस बने रहें। तो ये तो आपके हो गए पोटैटो जो आपको मैश करने हैं। और इसके अलावा जो हमें इसमें मसाले यूज करने हैं, एक बार उनको देख लेते हैं, उसके बाद इनको और मैश करेंगे आलू को। तो इसमें देखिए क्या क्या डालना है आपको। एक तो गरम मसाला यूज़ करना है, धनिया पाउडर यूज़ करना है, ये थोड़ा सा जलजीरा पानी पूरी मसाला है, नमक, सफ़ेद सॉल्ट, लाल मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, थोड़ी सी टाटरी खटाई के लिए। ये थोड़ी सी हमने मटर ली हुई है, हल्की सी बॉईल किया है इसको। ये कटी हुई काली मिर्च, थोड़ा काला नमक, थोड़ी सी अजवाइन एक फ्रेग्रेंस के लिए, ये छोटे ग्रेटेड पनीर के टुकड़े, और स्पेशल इंग्रेडिएंट जो मैंने उस दिन यूज़ किया था, ग्रीन चिली सॉस। बाकी आप जानते ही हैं इसके लिए और क्या ज़रूरत होगी। मैदे की ज़रूरत होगी, तो आप मैदा ले लीजिए, इसको छान लीजिए थोड़ा सा। और मैदा जब आप तो मिलाएंगे, जब उसको गूंथेंगे, तो उसमें थोड़ा सा आपको रिफाइंड यूज करना है और थोड़ा सा पानी यूज करना है। तो नाउ फ्रेंड्स, अब जो है हम वापस अपने पोटैटो वाले उस पर आ जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैश कर लीजिए। हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखिए, क्योंकि लॉकडाउन चल ही रहा है, तो जाहिर सी बात है साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये लगभग लगभग मैश करिए इसको, और पूरी तरीके से नहीं करना। और अब इसमें हम मसाले डालते हैं। मसाले टेक्निकली कितने डालने हैं, इसकी कोई फिक्स वो नहीं है, लेकिन आपका अंदाज सही होना चाहिए, मसाले अपने आप सही आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें क्या डालेंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, ये थोड़ी ज़्यादा से डाल दीजिए। इससे जो आपके पोटैटो हैं, आलू हैं, उसमें जो है एक अच्छा कलर आ जाएगा। थोड़ा सा जलजीरा पानी पूरी मसाला, हल्का सा अलग टेस्ट देने के लिए, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और उसके बाद लगभग काली मिर्च के बराबर गरम मसाला। इसके बाद आप थोड़ी सी इसमें जो है साबुत काली मिर्च डाल दीजिए, बहुत थोड़ा सा अजवाइन सिर्फ और सिर्फ फ्रेग्रेंस के लिए, हल्का सा थोड़ा सा काला नमक, कटी हुई हरी मिर्च, और इसके बाद में जब पहले आप इनको मिक्स कर लीजिए, फिर आप इसमें पनीर के छोटे छोटे टुकड़े डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, और हल्का सा ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं। इसको मिलाने के लिए आप एक बड़ी चम्मच का इस्तेमाल करिए। फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, मिला लीजिए। और अब इसमें हल्का सा खट्टापन लाने के लिए आप इसमें थोड़ी सी टाटरी का यूज़ कर सकते हैं। खट्टी, अगर आपके पास पिसी हुई आम की खटाई नहीं है, तो आप इसे यूज़ कर लीजिए। फ़िलहाल मेरे पास वो नहीं है, मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। और एक चीज़ जो भी मैंने बचा के रखी हुई थी, वो है हल्की सी ग्रीन चिली सॉस, जो थोड़ा सा इसमें बिल्कुल अलग ही टेस्ट लेके आएगी। और अब आप इसमें मटर और पनीर के टुकड़े डाल सकते हैं।
फ्रेंड्स, एज यू कैन सी आपका जो मिक्सचर है, स्टफिंग जो है समोसे में भरने के लिए, वो आपकी रेडी हो चुकी है। अब इसको आप एक किसी बाउल में रख लीजिए ताकि भरने में आपको थोड़ी सी आसानी रहे। अब आप स्टफिंग बना चुके हैं, अब आपका जो नेक्स्ट काम है वो है मैदे को मिक्स करना, को भूनना। तो आप मैदा ले लीजिए और मैदे को भूनने के लिए आपको रिफाइंड और पानी दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप नहीं मिक्स करेंगे तो आपकी मैदा सही से नहीं बनेगी और जो है समोसे में वो कलर नहीं आ पाएगा जो आप लाएंगे। तो आप मैदा ले लीजिए, इसमें जो है आपको थोड़ा सा नमक मिलाना, थोड़ी सी अजवाइन मिलानी। अजवाइन इतनी ज़्यादा मत करिए कि ऊपर से दिखाई देगा, जब तक स्वाद आ जाए इससे आपको बेलने में भी सुविधा रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये जो है आप मैदे को अच्छी तरीके से भून लीजिए। आपने देखा तो मैंने काफ़ी मैदा बचा लिया था, उसको मैंने धीरे धीरे करके इसमें मिक्स करके इसको अच्छे से भून लिया है। ये थोड़ा सा मैदा हमने बचा लिया जो हम इसको बेलते टाइम पर यूज करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मैदा आप इसमें साइड में रख लीजिए जैसे आप यूज़ करते रहे, और इसको साइड में रख देते हैं। अब मेन चीज़ ये है कि इसको जब हम बेलेंगे तो बेलने के बाद जब आप समोसे को फिल करेंगे, फिल करते समय उसको जब बंद करते हैं, उसकी सही शेप लाने के लिए आपको उसमें पानी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा पानी हम यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। और अब इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब इसको बेलते हैं और ये प्रॉपर सर्कुलर आए इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि इसको आपको बीच से काटना होता है। बस एक बार अच्छे से इसको बेल दीजिए। Thank you.
अब इसको आप बीच से काट दीजिए और इस तरीके से पकड़ के सही शेप देने के लिए आप इसमें जो है इसको पहले कोन बना लीजिए, क्योंकि मेन दिक्कत जो आती है वो समोसे की शेप को लेकर ही आती है, इसलिए भरिए बाद में, पहले इसका कोन बनाइए। और अब आपको यहाँ पे यूज़ करना थोड़ा सा पानी ताकि अच्छे से चिपक जाए। ये इसको चिपकाने के बाद अब ये जब कोन बन गया, अब इस कोन को आप नीचे तक फिल कर दीजिए। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, अच्छे से फिल करिए, इसमें कंजूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप कंजूसी करेंगे तो समोसे की शेप जो है वो नहीं आएगी और फिर दुकान जैसे समोसे आपके नहीं बन पाएंगे। इसके बाद फिर से ये जो इसकी जो बाहर की सतह है इसको ऐसे ओपन करके दोबारा से आप इस पर अच्छे से पानी लगा दीजिए। और इसको अब इस तरीके से पकड़ के ऐसे क्लोज करते हुए इसको चिपकाइए और उसको ऐसे करके एक बार रख दीजिए। आप देख सकते हैं समोसे की जो शेप आ रही है आपकी वो ऑलमोस्ट जैसी कि शॉप पर आपको दिखाई देती है फिल किया हुआ इस तरीके का आ जाएगा। और इसके बाद इसको आप साइड में रख लीजिए एक प्लेट पर, ऐसे ही दूसरे जो है आपका उसका कोन बनाइए। इसमें आप थोड़ा सा पानी लगाएं और उसके बाद इसको इस तरीके से चिपका दें। ये आपका कोन बन गया, कोन को फिर ओपन करिए और दोबारा से उसमें आप अपने जो आपकी स्टफिंग है उसको फिल कर दीजिए। कोन की बाहरी साइड को फिर से ऐसे ओपन करिए और पानी से इसको हल्का सा गीला करें। और इसको ऐसे करके आपस में चिपका दें, जब ये चिपक जाए हल्का सा उसको फिर से ऐसे रख के उसको समोसे को आप शेप दे दीजिए। ठीक है, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये समोसे हैं और थोड़े से और फिलअप करके हमने पहले से रखे हुए हैं। और अब इनको फ्राई कर लेते हैं, बाकी समोसे बाद में फिलअप करेंगे। गैस ऑन करके इसमें जो है अब आप रिफाइंड डाल लीजिए और इसको पूरा ऊपर तक फिल कर दीजिए, क्योंकि अगर ये ऊपर तक फिल नहीं होगा तो आप इसमें अच्छे से समोसे सेंक नहीं पाएंगे। फ्रेंड्स, अब ये समोसे जो है आपके हमने कर लिए हैं तैयार और अब इनको फ्राई करना है। आप एक बार में 3 से 4 समोसे जो हैं वो एक साथ फ्राई कर सकते हैं। तेल पहले आप अच्छे से गर्म कर लीजिए, फिर उसको जो है बहुत हल्की सी आंच पे आपको समोसे सेंकने हैं। तो इनको बड़ा आहिस्ता से संभाल के डालिए, कोशिश करिए कि जो है बिल्कुल तेल ना उछले। तो आप किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, कलछुली वगैरह का। इस तरीके से समोसे को पूरा डबो दीजिए
इस तरीके से एक बार में आप 3 से 4 समोसे जो है सेंक सकते हैं। अब इनको आप ऐसे ही हल्की आंच पर सेंकते रहिए थोड़ी देर के लिए। अब देख सकते हैं समोसे जो है उनका हल्का सा कलर जो है आने लगा है। इनको बस थोड़ी सी देर और छोड़ दीजिए और ये जो आंच आपने मध्यम रखी थी आप इसको हल्का सा बढ़ा सकते हैं। समोसे की शेप जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चीज़ पर आए थे, उसका जो एकमात्र सॉल्यूशन है वो यही है कि समोसे को जब फिल करते हैं उसको अच्छे से फिल करिए, क्योंकि अगर आपने उसमें थोड़ा स्पेस ज़्यादा छोड़ दिया तो समोसे में अच्छे से शेप नहीं आएगी। और एक बार जब आप उसको बंद करते हैं, बंद करने के बाद उसको रख के थोड़ा सा जो है सीधा रखिए ताकि उसमें शेप आ जाए। आप देखिए समोसे में लगभग लगभग कलर आपका आ गया। आप एक आधा समोसे को ऊपर निकाल के देख सकते हैं। इनको आप एक एक करके निकाल लीजिए। आप देख सकते हैं समोसे में बढ़िया कलर, जैसा कि आप दुकान पर देखते हैं वो कलर आ गया है। गैस आप बंद कर दीजिए। तो अब आपके समोसे तैयार हैं, आप देख सकते हैं इनकी शेप समोसे की जो है जैसे मार्केट में आपको दिखाई देते हैं शेप देख, और आपका जो कलर जो है समोसे का वो। और ऐसा करते हैं इसको फोड़ के भी देख लेते हैं कि इनकी स्टफिंग कैसी आई है, ये देखिए। और इसको आप सर्व करिए लाल हरी ग्रीन चिली सॉस और टोमेटो सॉस के साथ में, और चाहे तो आप इसके साथ रायता भी ले सकते हैं। तो अब वक्त आ गया है इनको खाने का। तो ओके फ्रेंड्स, नाउ आगे फिर कुछ बनाएंगे, फिर कुछ ट्राई करेंगे और उसके बाद कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।